रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने भरा पर्चा। नामांकन में कई नेता रहे मौजूद। 2019 में सोनिया के खिलाफ लड़ा था चुनाव। दिनेश सिंह का सोनिया गांधी पर हमला। बोले सोनिया ने रायबरेली को धोखा दिया, जनता नकली गांधियों को मजा चखाएगी। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने भरा अपना पर्चा। किशोरी लाल शर्मा का बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से है मुकाबला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा नहीं लड़ेंगे चुनाव। प्रियंका बोली किशोरी लाल जी का समर्पण दिलाएगा चुनाव में कामयाबी। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोली मुझे शहादत का पता है, मेरे पिता को शहादत विरासत में मिली, पीएम मोदी इस भावना को नहीं समझ सकते। राहुल को रायबरेली से टिकट पर। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, कहा सोच समझ कर लिया गया फैसला, अमेठी रायबरेली में जीतेंगे। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही मान ली हार, मेहमानों का स्वागत है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर प्रहार। बोले राहुल वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, राहुल अमेठी से भाग गए, यूपी में घर नहीं संभाल पाए, देश क्या संभालेंगे। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का प्रहार। बोले गांधी फैमिली के अंतिम बादशाह हैं राहुल, रायबरेली से भी हारेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने किया नामांकन दाखिल। पर्चा भरने से पहले हनुमान गढ़ी में किए दर्शन। बोले ये जिंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा सुनवाई में समय तो बेल पर विचार संभव, अंतरिम बेल पर दलीलें सुन सकते हैं। आरक्षण पर मध्य प्रदेश के मंत्री गौतम टिटवाल का बड़ा बयान। बोले आरक्षण को हाथ लगाएगा तो हाथ जला देंगे। इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने माफी मांगी। बोले तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया, किसी को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं थी। जीतू पटवारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, जीतू के बयान की निंदा की। आरजेडी नेता मीसा भारती का बीजेपी पर निशाना। बोली चुनाव के समय बिहार की आती है याद। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर तंज कसा। बोले विधानसभा चुनाव से पहले देंगे 10 लाख नौकरी। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने किया नामांकन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने नामांकन के दौरान रहे मौजूद। यूपी के अयोध्या पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। श्री राम मंदिर में रामलला के किए दर्शन। उद्धव की शिवसेना के नेता सुषमा अंधारी का हेलीकॉप्टर रायगढ़ में क्रैश हुआ। सुषमा अंधारी के हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले हुआ हादसा। इंदौर के एक स्कूल पर भड़के। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री स्कूल पर तिलक लगाने से रोकने का आरोप। इंदौर में मुस्लिम से हिंदू बने युवक के घर पर हमला। पत्थर फेंके जाने से टूटे घर के शीशे। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर एनएसजी कमांडो और पुलिस ने की मॉक ड्रिल। बम धमाके से निपटने की तैयारियों की ड्रिल। यूएन के मंच पर भारत ने फिर किया पाकिस्तान को बेनकाब। भारत की राजदूत बोली हर मामले में पाकिस्तान का है सबसे संदिग्ध रिकॉर्ड। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने फिर भारत के खिलाफ उगली आग। बोले भारत है कट्टर दुश्मन।